मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को पहले भी जनता का आशीर्वाद मिला है और इस बार भी झारखंड की जनता का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। केंद्रीय मंत्री देवघर विधानसभा क्षेत्र के पार्टी उम्मीदवार नारायण दास के नामांकन में शामिल होने देवघर आए थे। पार्टी घोषणा पत्र के संबंध में पूछे गए सवाल पर अर्जुन मुंडा ने कहा कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, इसलिए समग्र रूप से जहां भी कमी रह गई है उसको ध्यान में रखकर सारी बातों को घोषणा पत्र में समाहित किया गया है। देखिए, आज देवघर में मैं यहां पर आया हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नामांकन के लिए। इन्हें जनता का आशीर्वाद पहले भी मिला था और इस बार भी जनता का आशीर्वाद मिले, ऐसे उम्मीदों के साथ हम यहाँ पर आए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि देवघर की जनता पुनः भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से मौका देगी और राज्य में पुनः हमारी सरकार बनेगी। आज मैनिफेस्टो भी पार्टी का जारी हुआ है, संथाल के लिए क्या विशेष है, संथाल परगना के लिए क्या विशेष है मैनिफेस्टो? देखिए, हम राष्ट्रीय पार्टी है और पूरे राज्य के लिए, राज्य के तमाम नागरिकों के लिए आने वाले दिनों में बेहतर और भविष्य को कैसे उज्जवल बनाया जाए, इस सोच के साथ जहां गैप्स है, जहां पर भी ऐसा लगता है कि उसे विशेष फोकस देने की आवश्यकता है, वो सारी चीज़ों पर देने के लिए मैनिफेस्टो में संकल्प। चलिए, महाविद्यालय साहिबगंज की ओर से एनएसएस के सहयोग से संविधान दिवस के 17वीं वर्षगांठ पर प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने संविधान प्रस्तावना एवं कर्तव्यों की शपथ दिलाई, जिसमें सैकड़ों छात्र छात्राएं शिक्षक कर्मियों ने भाग लिया। शपथ के बाद एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने शपथ समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान हमारा राष्ट्र धर्म राष्ट्रीय ग्रंथ है। छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि हम एक जिम्मेदार नागरिक बने और अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेवारी से निभाएं तो यही सबसे बड़ा संकल्प व शपथ होगा। की ओर से छात्रों को, शिक्षकों को एवं हमारे कर्मियों को शपथ दिलाई गई। संविधान दिवस जो मनाया जाता है, संविधान दिवस का मतलब है कि आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को यह अंगीकृत किया गया था और लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। उसका एक ही मकसद था कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। आज सब लोगों ने, हम लोगों ने इसका शपथ लिया है कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में जिम्मेदारी से निभाएंगे और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि सत्ता में आने के बाद सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देंगे, साथ ही 25 करोड़ रुपए के सरकारी टेंडर सिर्फ स्थानीय लोगों को दिए जाएंगे। इस मौके पर झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन भी उपस्थित थे। आप जब गठबंधन में हैं तो सरकार स्वाभाविक रूप से गठबंधन की सरकार बनेगी और गठबंधन की सरकार के माध्यम से चीजें आगे बढ़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक रह चुके ताला मरांडी ने आज सूखा दामन थाम लिया है। मिलन समारोह कार्यक्रम के दौरान ताला मरांडी ने आजसू की पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अपने संबोधन में ताला मरांडी ने कहा कि आजसू ही एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं को लेकर साथ चलती है और युवा ही देश के भविष्य होते हैं। वहीं सुदेश महतो ने कहा कि लगातार पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है और आने वाले समय में पार्टी लंबी लकीर खींचेगी। सपना इस झारखंड के लिए सोचा गया था, उस सपना को साकार करने के लिए मन में एक जज्बा, मन में एक उम्मीद जगी थी कि हम एक स्टूडेंट हैं, हम को स्वतंत्र चुनाव में आने के बाद इस 19 साल में पार्टी के और पार्टी के प्रति लोगों का जो झुकाव और पार्टी के
भावनाओं से खुद को जोड़ने का जो सपना था आज कांग्रेस इस चुनाव में समस्त झारखंड में दिख रहा है। आदरणीय ताला मरंडी जी के आने से, आदरणीय सखिल भाई अखिल भाई के आने से और ऐसे कई सामाजिक राजनीतिक रूप से उस क्षेत्र में सक्रिय लंबे समय तक सक्रिय लोगों के आने से झारखंडी बोध करने वाले सिद्धू कानू की धरती में, काम भैरव की धरती में फिर से एक नई क्रांति की शुरुआत होगी और ये क्रांति झारखंड के नवनिर्माण का होगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी संकल्प पत्र का विमोचन किया। इस कार्यक्रम में भाजपा के कई गणमान्य मंत्री मौजूद थे, जिसमें रविशंकर प्रसाद, अर्जुन मुंडा और मुख्यमंत्री रघुवर दास और झारखंड के चुनाव प्रभारी ओम प्रकाश माथुर मौजूद रहे। रघुवर दास ने कहा कि पिछले घोषणा पत्र में जो कार्य की चर्चा की गई थी और वह अभी हो रहे हैं, वह कार्य और बेहतर ढंग से किया जाएगा। इस बार के घोषणा पत्र में और झारखंड राज्य के कई तरह के कार्य करने हैं, यह कहते हुए संकल्प पत्र के सभी बिंदुओं की चर्चा। देवघर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी नारायण दास ने अपने समर्थक के साथ अनुमंडल निर्वाचन पदाधिकारी विशाल सागर पदाधिकारी विशाल सागर के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर श्री दास विकास को देखते हुए जनता पुणे आशीर्वाद देगी, किससे है मुकाबला के सवाल में कहा कोई नहीं है मुकाबले में। इस बार राज्य में सबसे ज्यादा वोट से भाजपा देवघर से जीतेगी और सबसे पहले पार्टी और पार्टी के शीर्ष नेताओं को और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और इस विधानसभा के मेरे जनता जनार्दन को, जिनके असीम प्यार से पुनः पार्टी ने दूसरी बार मुझे भाजपा का प्रत्याशी बनाया है। और आज कार्यकर्ताओं और यहाँ के जनताओं का उत्साह देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि हम देवघर पुनः रिपीट करेंगे और अप्रत्याशित मतों से देवघर विधानसभा की जीत होगी। और जिसकी कल्पना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और यहाँ के जनप्रिय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने किया है, भारत का विकास दुनिया में दिखता नजर आ रहा है और न्यू झारखंड की कल्पना जो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री ने किया है और देवघर जो विकास की दिशा में उत्तरोत्तर गंगा यहाँ बह रही है, चतुर्दिक विकास हो रहा है, ये चुनाव उसी का रूपरेखा तैयार करेगा। देवघर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार चंद्रशेखर रजक ने अपने समर्थक के साथ अनुमंडल निर्वाचन पदाधिकारी विशाल सागर पदाधिकारी विशाल सागर सागर के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर श्री रजक ने बताया कि हमारी प्राथमिकता विधानसभा क्षेत्र से पानी, बिजली और शिक्षा बेहतर हो सके, इसके लिए काम करेंगे। व्हाइट चंद्रशेखर रजक, बसपा प्रत्याशी। हम 15 साल से राजनीति कर रहे हैं और देवघर शहर में खास करके पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। हम जब विधानसभा जाएंगे चुनाव जीतने के बाद तो देवघर में सबसे पहले मेरा पहला काम होगा पानी के क्षेत्र में। और दूसरी नंबर बात है कि यहाँ पे जो है शिक्षा का स्तर काफ़ी नीचे गिर चुका है। देवघर शहर में एक भी अच्छी शिक्षा की संस्थान नहीं है। देवघर शहर के सारे बच्चे जो है आप पता कर लीजिए, देवघर शहर के सारे बच्चे कहीं पटना में पढ़ते हैं, कहीं दिल्ली में पढ़ते हैं, कहीं हैदराबाद में पढ़ते हैं, कहीं मुंबई में पढ़ते हैं। अगर मुझे चुनाव जीतकर अगर मैं विधानसभा गया तो मैं यहाँ देवघर शहर के लिए मैं इस पर अच्छा संस्थान में लाऊंगा ताकि जो दिल्ली पटना मुंबई में जो बच्चे पढ़ते हैं वो देवघर शहर में ही पढ़े। मतलब मुख्य आपका रहेगा शिक्षा पे और पानी पे और किसान वगैरह तो बहुत समस्या है, लेकिन मेन मेरी शिक्षा और पानी पे ही रहेगी। देवघर विधानसभा से आज सुप्रत्याशी संतोष पासवान ने अपने समर्थक के साथ अनुमंडल निर्वाचन पदाधिकारी विशाल सागर पदाधिकारी विशाल सागर सागर के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर पासवान ने बताया कि हमारी प्राथमिकता विधानसभा क्षेत्र में पानी, बिजली और शिक्षा के बेहतर के साथ शहर में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को निजात दिलाना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। देवघर विधानसभा प्रत्याशी आशु पार्टी के साथ में आज मैंने नामांकन किया है और अपार जनता का जन समर्थन है, जन आशीर्वाद हमें मुझे मिला है। नामांकन करने से पहले बाबा का आशीर्वाद लेकर के मैंने आज यहाँ नामांकन किया और बाबा के आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से यदि मैं चुन करके आता हूँ मैं देवघर में ऐतिहासिक परिवर्तन करूँगा। देवघर जो कि
द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ की धरती है। सबसे पहले हमारा सपना होगा कि यहाँ देवघर को स्वच्छ, स्वस्थ, शिक्षित, सुरक्षित और विकसित बनाना। हम लोग नया देवघर का निर्माण करेंगे। कोई भी भूखा नंगा यहाँ नहीं रहेगा, कोई भी रोता बिलखता नहीं रहेगा। देवघर के लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करेंगे, यहाँ के ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे और यहाँ पे जो भी गरीब हैं, गरीब माताएं बहनें हमारी, जो विधवा पेंशन के लिए वृद्ध हमारे बुजुर्ग माता बहन जो वृद्धावस्था पेंशन के लिए इधर उधर भटकते हैं, उन्हें कहीं किसी के अफसर के दरवाजे पे ब्लॉक का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। पदाधिकारी खुद हमारे जनता जनार्दन के दरवाजे पर जाएगा और उनका काम करेगा।